दोस्तों अगर 40 से 45 यूनिट महिंद्रा और बेच देता तो यह सितंबर 2024 में सबसे ज्यादा कार बेचने वाला ब्रांड बन जाता और इसके साथ ही यह कार सेल्स की हिस्ट्री में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो जाता। तो सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा कार बेचने वाला ब्रांड कौन सा है, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अजय आर्या, आप देख रहे हैं आर्या ऑटो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स इन इंडिया इन सितंबर 2024। तो अगर आपको भी कार ब्लॉग, कार न्यूज और अपडेट पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों साथ शेयर कीजिए। 14th पोजीशन पर चल के आई है जीप मोटर्स, जिसकी 365 365 यूनिट बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। और हमारी इस लिस्ट की शुरुआत भी लगभग जीप की गाड़ियों से ही होती है। 13th पोजीशन पर आई है सिट्रॉन, जिसकी 711 गाड़ियां बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। अभी पिछले ही महीने इंडिया में सिट्रॉन ने अपना बेसॉल्ट लॉन्च किया था, वो भी काफी अग्रेसिव और शानदार प्राइस पर, लेकिन लगता है ये गाड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है, तभी तो सिट्रॉन की सेल्स इतनी डाउन है इंडिया में। 12th पोजीशन पर आई है निसान मोटर्स, जिसकी 2113 यूनिट बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। अब निसान के पास इंडिया में एक नहीं दो गाड़ियां हैं, पहली निसान की मैग्नाइट जो सबसे ज्यादा बिकती है और दूसरी एक्सट्रेल जो हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुई थी, जिसकी पिछले महीने मात्र 6 यूनिट बिकी थी। निसान ने हाल ही में इंडिया में अपने मैग्नाइट का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें इसके एक्सटीरियर में कुछ खास चेंज नहीं किए हैं, लेकिन इंटीरियर में काफी कुछ बदलाव किया गया है। 11th पोजीशन पर आई है रेनो मोटर्स, जिसकी 3217 यूनिट बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। एक टाइम पर रेनॉल्ट मोटर्स टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स में टॉप 10 में हुआ करता था, लेकिन अभी इसकी हालत थोड़ी पतली हो गई है। 10th पोजीशन पर आई है स्कोडा, जिसकी 3308 यूनिट बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। 9th पोजीशन पर आई है फॉक्स वैगन, जिसकी 3394 यूनिट बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। फॉक्स वैगन और स्कोडा अपनी प्रीमियम गाड़ियों और प्रीमियम फीचर्स के लिए जाने जाते हैं, हालांकि इसके लिए आपको प्राइस भी प्रीमियम पे करनी पड़ती है। 8th पोजीशन पर है मोरिस गराजेस एमजी इंडिया, जिसकी 4588 यूनिट बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। 7th पोजीशन पर आ गई है होंडा मोटर्स, जिसकी 5675 यूनिट बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। जैसे तैसे ही सही, लेकिन सितंबर के महीने में होंडा अपनी पोजीशन टॉप 10 में बनाने में कामयाब रही। 6th पोजीशन पर आ गई है किया मोटर्स, जिसकी 23523 यूनिट बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा इंडिया, जिसकी 23802 यूनिट बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। भाई हमारी इस लिस्ट में टोयोटा हमेशा किया मोटर्स से पीछे ही रहती है, लेकिन इस महीने ये किया मोटर्स से आगे निकल गई है, और अगर किया मोटर्स के सेल्स का आंकड़ा ऐसे ही बना रहा तो हो सकता है आने वाले टाइम में टोयोटा मोटर्स किया मोटर्स को काफी पीछे छोड़ दे। 4th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स, जिसकी 41065 यूनिट बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। भाई हमारी इस लिस्ट में इस 4th पोजीशन पर अक्सर महिंद्रा आया करती थी, लेकिन इस बार महिंद्रा की सेल्स काफी अच्छी हुई है तो इस पोजीशन पर टाटा मोटर्स आ गई है। इस महीने तो बिल्कुल गजब हो गया है भाई, महिंद्रा ने टाटा मोटर्स को पीछे छोड़ दिया है, वो भी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। ये आंकड़ा इतना ज्यादा है कि आने वाले टाइम में शायद ही टाटा मोटर्स इस गैप को फिल कर पाए। जी हाँ, तो 3rd पोजीशन पर चल के आई महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसकी 51062 यूनिट बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। भाई ये कार ब्रांड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब महिंद्रा ने टाटा को पीछे छोड़ दिया है, वो भी काफी ह्यूज मार्जिन के साथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल्स पूरे 10,000 यूनिट ज्यादा है टाटा मोटर्स की सेल से, और इस बड़े मार्जिन का कारण ये है कि इस महीने महिंद्रा की सेल काफी ज्यादा हुई है। अभी तो महिंद्रा के न्यू थार रॉक्स की डिलीवरी भी नहीं शुरू हुई है, और आने वाले टाइम में इस गाड़ी की बुकिंग भी बढ़ने वाली है, तो हो सकता है ये आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाए। फिलहाल आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है, बताइए आप कमेंट करके। 2nd पोजीशन पर आई है हुंडई मोटर्स, जिसकी 51101 यूनिट बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। भाई अपनी 2nd पोजीशन वाली इज्जत इस महीने हुंडई ने जैसे तैसे बचा लिया है, नहीं तो अगर महिंद्रा 40 से 45 यूनिट और बेच देता तो इस बार वो इतिहास बना देता और कार ब्रांड की सेल्स में ये महिंद्रा 2nd पोजीशन पर आ जाता। हालांकि जिस तरह महिंद्रा की सेल्स बढ़ी है, मुझे पूरा डाउट है कि शायद ही हुंडई आने वाले टाइम में अपनी 2nd की पोजीशन बरकरार रख पाए। अब अगले महीने यानी अक्टूबर के महीने में ये देखना काफी शानदार होगा कि टाटा, महिंद्रा और हुंडई में आखिर बाजी कौन मारता है, 2nd की पोजीशन कौन हासिल करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस कार ब्रांड की जिसने सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हैं।
तो जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी नंबर वन पोजीशन पर है मारुति सुजुकी, जिसने 1,44,962 1,44,962 यूनिट बेचे हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। सितंबर के महीने में मारुति की सेल थोड़ी बढ़ी है, पिछले महीने इसने लगभग 1,43,000 गाड़ियां बेची थी, लेकिन फेस्टिव सीजन के कारण, अच्छे ऑफर के कारण इस बार मारुति की सेल भी थोड़ी बढ़ी है। तो आपका सबसे ज्यादा फेवरेट कार ब्रांड कौन है बताइए कमेंट करके। 10 से 15 लाख के बजट में आपको कौन सी कार ज्यादा पसंद है या आप कौन सी कार खरीदना चाहोगे कमेंट करके बताना जरूर। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए आर्या ऑटो।